हेलो जी, राम राम जी सायराना, कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे। आज दिन है जी सोमवार और तारीख है जी 13। और मैं कर रही थी जाने की तैयारी, तो कहाँ जाऊँगी आपने दिखाऊँगी आगे वीडियो में। मैं उड़े निकल रही थी और एकदम तय फोन आया था। पहला मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी घर आ, तो फिर मैं चल थोड़ी सी जल्दी जल्दी बना लिया, तो आप सबने भी दिखावांगे या रास्ता की बनाऊँ थी। बस गाड़ी मैं तो निकली थी और अगर थी फिर फाटक बंद, मेरा है फाटक के बिल्कुल पास में ये मकान है, तो रह गई थी मेरी फाटक पर। फाटक हो रही थी बंद और ये फाटक भी बहुत ज़्यादा टाइम लाते हैं, मतलब बहुत दूर तय करते हैं बंद। और भाई एक एक लाइन की तो देखो ड्यूटी है, करनी भी चाहिए देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है उरे, तो इन्हें भी अपने देखो ड्यूटी प्यारी है सभी ना हुआ है, और इनका काम है जिम्मेदारी है इनकी, तो अच्छी राय निभानी चाहिए। हमें भी बहुत जल्दी जल्दी हैं ट्रेन भी, तो ही पूरा मैं आगे आ गई थी फाटक पर, मतलब पीछे गाड़ी खड़ी थी तो मैं आगे निकाल आई थी स्कूटरी, तो दिखाऊंगी आप सबने भी ट्रेन की। थोड़ी सी मैंने शॉर्ट बनाई थी वीडियो, तो इसमें मैंने शॉर्ट ऐड कर दी, शॉर्ट भी फिर गेड़ूँगी बाद में, तो मैंने शॉर्ट ऐड कर दी थी। और ये जींद की साइड से आई थी, नरवाणा की साइड जा रही थी, और जिसमें प्रोग्राम में गई थी बुलावा आया था स्कूल से, 10वीं का रिजल्ट आ गया है, तो सारे स्कूलों में बहुत खुशी का माहौल हो रहा है सभी की। देखा हाँ वीडियो भी यहाँ में है बहुत ज़्यादा, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है इब की बार। और जब तक मैं स्कूल में पहुँची ये बच्चे मतलब गाँव की तरफ निकल लिए थे, इनका जो है उस लबड़ाई के लिए मतलब पूरे गांव में वो किया था ढोल धमाके के साथ, पूरे गांव में फिर आए थे ये ट्रैक्टर में बच्चे, फूलों की माला पहना के और सम्मानित भी करे थे। ये मैडम हैं और एक दो लेडीज और थी हैं, टीचर्स हैं सारे साथ में, और फाटक से इस साइड निकल लिए थे हम, क्योंकि फाटक बंद होने वाली थी। फिर पहले निकाल लाए थे कि भाई बच्चे हैं कोई रह जाए पीछे या कुछ भी, तो आगे निकाल लाए थे फिर बंद कर दे थी फाटक इस तरह, तो फिर भी थोड़ा अगर जल्दी आ जाए तो वो निकाल दें, वरना तो देखो इनका भी काम हुआ है और करना भी नहीं चाहिए इसी गलती, थोड़ी सी गलती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। पूरा आ गए थे भाई दादा खेड़ा पर, दो कमाड़ी हैं बच्चे दादा खेड़ा की, दो मैर के ना ये चल लेंगे आगे, फिर पूरा गांव का टूर दिखावांगे अपने। बीच की जो मेन गली थी या उसे मैं को आए थे और फिर दूसरी साइड को निकल गए थे स्कूल में, वापस फिर स्कूल में आए थे। और 26 बच्चे थे भाई 10वीं क्लास में, 18 प्लस की मेरिट आई है, देखो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है इब की बार सरकारी स्कूल का गांव खेड़ी मसानिया में, रिकॉर्ड तोड़ दिए बच्चों ने इब की बार। और टीचर्स की पेरेंट्स की सबकी देखो अपनी अपनी मेहनत है भाई, सबकी मेहनत फल लाई है और बहुत बहुत अच्छा लग गया। बच्चों ने भी मेहनत करी, टीचर्स ने मेहनत करी और पेरेंट्स ने भी मेहनत करी, तो भी सभी का मिलजुल के सहयोग था, बच्चों का बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है 100%। तो इसी तरह भी सपोर्ट करते रहो और टीचर्स का भी बच्चों का भी इसी तरह अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो देखो सरकारी स्कूलों की तरफ और भी ज़्यादा रुझान होएगा पेरेंट्स का। और भी मैं तो ये कहूँ मतलब बच्चा भी काबिल हो टीचर्स काबिल हो तो कहीं भी पढ़ा ले जाए बच्चा ने, वो कहीं भी मार नहीं खावेगा, अच्छी उस तक पढ़ेगा, अच्छे मार्क्स लेकर पास होगा, बढ़िया रिजल्ट देवेगा। और सरकारी स्कूलों को हम जितना उसके बढ़ावा दें, मैं तो यही कहूँ, मेरा मानना है कि भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करवाएँ,
कुछ थोड़ा बहुत अगर आपने कमी महसूस हो वह दिखे टीचर्स को, बोलो घर पे भी आप करवाओ उसका, प्रैक्टिस करवाओ बच्चे की, तो ज़रूर ज़रूर बच्चा बढ़िया चलेगा। और देखो भाई, प्राइवेट स्कूलों की मैं किसी का मतलब वो नहीं कर रही, खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन महंगे इतने हो गए हैं आजकल प्राइवेट स्कूल, आम आदमी के बस की बात नहीं रही बच्चे को मतलब पढ़ाना। तो इस करके भी सभी से अनुरोध है आज जोड़ के कि सभी अपने अपने बच्चों को, मैं तो ये कहूँ, सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, ताकि हर बच्चा पढ़ सके, हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा दे सके, और ये नहीं उनको कहीं भी कमी महसूस ना हुए कि भाई हमने हमारे बच्चे के लिए ये नहीं किया वो नहीं किया। तो जब मतलब थोड़ा यूँ है नहीं कि भी हाँ, जो अमीर फैमिली से आवे हैं, जो भी बिलोंग करे हैं, अगर वो सबसे पहले सरकारी स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को भेजेंगे तो फिर मिडिल क्लास फैमिली और छोटे बच्चे जो है सभी आवेंगे। और भी डांस मस्ती आपने बीच में भी देखा होगा, तो उरा थोड़ा सा मैं भी लग गई थी मैडम के साथ में, मैडम अकेली थी तो मैं चलो मैं भी करूँगी, और ये भी उरा मैंने कैमरा दे दिया था किसी बच्चा था, देखो बच्चा ने इतना नहीं बेरा होता यूट्यूब का, वैसे तो उसने वीडियो बनाई तो अच्छी सारी घुमा कर, लेकिन फ़ोन सीधा का सीधा ही रखा, टेढ़ा से नहीं बनाई, चलो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी बना रखी है दिखा है। और बहुत बहुत घनी खुशी हुई भाई। और थोड़ा सा मैंने एक चीज़ बुरी भी लगी बताना चाहूँगी, कभी जिन बच्चों के मतलब ये था रिजल्ट था, उन्हीं के सारे माँ बाप नहीं आए, तो आना चाहिए था भाई। देखो हमारे भी बच्चे हैं ये, वैसे तो छोटे बच्चे हैं हमारे तो फर्स्ट सेकंड में, फिर भी ये भी हमारे ही हैं, हम नहीं जावांगे, हौसला नहीं इनका बढ़ावांगे, तो देखो बच्चों का हौसला किस तरह वो होएगा। तो पेरेंट्स ने ज़रूर आना चाहिए था, जो भी टेंथ क्लास के जितने बच्चे थे सभी के माँ बाप को आज तो ज़रूर आना चाहिए था स्कूल में, बस दो चार एक पाँच चार एक ही आ रहे थे, कोई ज़्यादा वो नहीं मिला रिस्पॉन्स, जितनी खुशी टीचर्स को ही बच्चों को ही, तो पेरेंट्स को भी देखो खुशी तो है, लेकिन वो जाहिर भी तो करनी चाहिए थी, आना चाहिए स्कूल में, बच्चों का हौसला बढ़े और दूसरों ने भी सीखना मिला कुछ ना कुछ भाई, हाँ ये इनके बच्चे हैं, देखो ये आज ये इस स्टेज पे आए हैं, मेरिट में हैं, कल हमारे बच्चे भी आएंगे, तो दूसरे उन्हें भी हौसला मिला, पेरेंट्स ने भी अच्छा लग गया, मिल फिर कर पता लग गया कुछ बातों का, तो ज़रूर आना चाहिए था भाई। थोड़ा सा ये चीज़ मैंने बुरी लगी, अगर मेरी बात किसी ने बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगी, वरना देखो आजकल तो टाइम भी ये है कि भाई इन्हू नहीं है कोई काम की दाब है कुछ है, बिल्कुल फ्री टाइम है, तो आस को थे आराम से। और उरैयो में दिखाऊं थी, इस साइड स्कूल है, परली साइड ये मंदिर है, मंदिर में दो मारन गए थे अब बच्चे, और ये देखो फाटक दिखाने लग रही थी मैं, ये है जो खरक और पालों की साइड रोड जावे है उसके ऊपर है स्कूल, इस साइड ये दसवीं तक का है, और जिसमें मेरे बच्चे जावे विनय वंशी का वो है पाँचवीं तक का, वो कन्या में आवे है कन्या प्राथमिक, फिर उरा मतलब रेल की ये दिक्कत है, इस करके हमने उसे में लगा रखे हैं, वैसे थोड़ा छोड़ गाने पड़े लाने पड़े थोड़ा दूर पड़ा है, फिर यूँ है उरा भी नूडर लागे जावे कदे भाई बच्चा स्कूल में से निकले आवे छोटे हैं और ट्रेन का डर लगा है, इस करके हमने उसमें लगा रखे हैं। तो ये पूरा है कहना, ये स्कूल में आकर फिर डांस मौज मस्ती हो रही थी, और भी सभी बच्चों को सम्मानित भी किया गया है, सरपंच ने भी सम्मानित किया है, टीचरों ने भी सम्मानित किया है सभी को, तो वो वीडियो अगर मेरे को मिली तो मैं अगली उसमें दिखाऊंगी। मैं लेट हो गई थी क्योंकि वो प्रोग्राम पहले हो लिया था स्कूल में और ये बाद का था, और फिर बच्चों को मिठाई खिलाई गई, लड्डू बांटे गए स्कूल में, बहुत बहुत अच्छा लगा भाई, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। जैसे ही पहल करी थी अभी, जैसे दो साल से, पिछले दो साल से ही गांव वालों ने भी अच्छी वो करी है, स्कूलों को बढ़ावा दिया है, सरकारी स्कूलों को ऊपर उठाने में सहयोग दिया है अपना, तो उस हिसाब से टीचर्स ने भी अपना पूरा मतलब मेहनत दिखाई है कि भाई हाँ हम करेंगे, जब गांव वाले सपोर्ट करेंगे तो हम भी करेंगे, और फिर बच्चे भी
अपने आप उस लाज है बच्चों में, तो देखो सभी बच्चे मिलजुल कर एक साथ पढ़ें तो बहुत अच्छा लगे है भाई। तो राम राम भाई, जय भारत, जय हरियाणा।